दोस्तों नमस्कार, आपका अपना निरंकार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तेजस्वी के साथ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको नई वीडियो के साथ मैं लेकर आ गया हूं निवई राजस्थान के अंदर और मैं आपको दिखाने वाला हूं एनवीटी थ्रेसर। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ये थ्रेसर मशीन है। क्या इसकी जो है टेक्निकली जानकारी है, किसान भाइयों को कौन कौन सी फसल के अंदर ये प्रयोग कर सकते हैं और कितनी सब्सिडी इस मशीन पर आपको मिलेगी, क्योंकि दोस्तों राजस्थान सरकार इस समय थ्रेसर मशीन पर बहुत ही शानदार सब्सिडी दे रही है और किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो सरकार सब्सिडी दे रही है उस सब्सिडी का लाभ उठाएं और एनवीटी थ्रेसर पर क्या सब्सिडी है, इसकी क्या टेक्निकली जानकारी है, पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार सर, आपका हमारे राम एग्रो निवाई प्यार में बहुत बहुत स्वागत है जी। और आज हम किसान भाइयों के लिए एनवीटी मल्टीग्रो थ्रेसर का व्यू दिखाने वाले हैं जी। संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण फीचर आपको दिखाने वाले हैं। अच्छा सर, मुझे लगता है कि आप राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूटर हैं एनवीटी के। बिल्कुल सर, मैं राजस्थान का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अच्छा, मेरी दो ब्रांच है, एक अपना राम एग्रो केकड़ी जिला अजमेर के अंदर है, एक राम एग्रो निवाई जिला टोंक एनएच पे पड़ता है। अच्छा सर, जैसे क्या थ्रेसर मशीन तो काफी किसान भाई देख रहे हैं लेकिन एनवीटी थ्रेसर कुछ अलग है और एनवीटी थ्रेसर के अंदर सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, किसान की जेब है ढीली, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, टेक्निकली जानकारी बाद में लूंगा। जो किसान भाई वीडियो को पूरी देखे, बात करते हैं हम इसकी पहले सबसे पहले सब्सिडी के बारे में। बिल्कुल सर, कितनी सब्सिडी एनवीटी थ्रेसर पर है? सर हमारी कंपनी ISI मार्क का अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट से सब्सिडी मान्यता प्राप्त मशीन है ये एनवीटी ब्रांड का जी। और किसान भाइयों के लिए जो नया साल निकला है 2023 के अंदर, ये 1,00,000 रुपए से ऊपर इसके ऊपर सब्सिडी आ रही है सर। अच्छा, राजस्थान सरकार की तरफ से? बिल्कुल सर। और अलग अलग राज्यों में कितनी सब्सिडी लगभग मिल जाती है? अलग अलग राज्यों में जो उनके ग्राम सेवक होते हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं। हमारे एरिया के अंदर अभी जो लेटेस्ट जो किसान भाई है उनके जो सब्सिडी आई हुई है वो 1,00,000 से ऊपर आ रही है। अलग अलग विभाग के हिसाब से भी आती है, SC ST OBC के हिसाब से अलग अलग आती है, लेकिन 1,00,000 से कम नहीं आती है। अच्छा, मतलब इसमें प्राथमिकता क्या क्या होनी चाहिए, ट्रैक्टर उसके नाम होना चाहिए, प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जिस किसान भाई की जमीन नाम है उस किसान भाई के नाम ट्रैक्टर होना जरूरी है जी। और वो लघु किसान होने के साथ साथ मशीन जो वो खरीदता है तो उसके बाद किसान भाई हमसे कोटेशन ले लेगा, उसको ऑनलाइन कराएगा ई मित्र पे जाके, और जब मशीन का लॉटरी निकलेगा तब किसान भाई हमसे पक्का बिल लेगा, उसको अनुदान मिलेगा सर। आपने थ्रेसर की सब्सिडी के बारे में बहुत बेहतरीन अच्छी जानकारी दे दी, मेरे किसान भाइयों को समझ में भी आ गई होगी। ये बड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो है लैस मॉडल देख रहा हूँ मैं, और अलग अलग मॉडल आपके हैं इधर जो मैं दिखाऊंगा जो वीडियो के अंदर। बिल्कुल। तो सर ये बिल्कुल अलग मॉडल लग रहा है, 2023 के अंदर आपने बड़ा अच्छा मॉडल ये लॉन्च किया है, इसकी क्या खासियत है? शुरुआत करते हैं इधर, फैन से शुरुआत कर लेते हैं इधर से जो है जी। सर ये जो हम आपको पहले बता दें, जो हम आपको मॉडल का पूरी जानकारी देने वाले हैं आज, ये कंपनी एनवीटी का प्लस प्लस मॉडल है। अच्छा, और इस मॉडल का आज हम आपको संपूर्ण फीचर दिखाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आगे वाली पंखी से जी। जो किसान भाई यहाँ पे क्रॉस लगाता है उसके जस्ट पीछे जो पुली लगी हुई है ये सर पंखे के काम को करती है, जैसे अच्छा। माल को ग्रेडिंग करने का जो काम करती है ये आगे वाली पुली करती है जी। इसमें किसान भाई अपनी फसल के अकॉर्डिंग इस पुली को बेल्ट को माध्यम से आगे पीछे कर सकता है। माल जो गीला माल निकालता है तो उसमें कचरा बहुत आता है जी। तो उसके लिए जो आगे वाली पुली आप देख रहे हैं उसके ऊपर किसान भाई को बेल्ट लगानी है। अच्छा, नॉर्मली जो फसल होती है जिसमें अनाज सूखा हुआ होता है जी, तो उसके लिए किसान भाइयों को जो बीच वाली पुली है उसके ऊपर बेल्ट को लगाना है। अच्छा, और किसान भाई के पास अगर बारीक फसल है जो जैसे बारीक फसल होती है जीरा अजवाइन सौंफ मेथी, तो उसके लिए किसान भाइयों को जो तीसरे नंबर की पुली है और जो चौथे नंबर की पुली इसको फसल के अकॉर्डिंग इसको यूज करना है। अच्छा, ये तो हो गया सर ओनली फॉर पंखी की कंट्रोलिंग वाली पुली का सिस्टम जी। बात करते हैं अपन मशीन के व्हील के बारे में जी। अपनी एनवीटी कंपनी के अंदर 3 व्हील लगे हुए हैं मशीन के अंदर जी। 2 व्हील पीछे लगे हुए हैं, 1 व्हील आगे लगा हुआ है। अच्छा, आमतौर पर बहुत सी मशीनों के अंदर 2 व्हील होते हैं लेकिन हमारी कंपनी ने लोड फ्री ट्रैक्टर चलने के लिए इसमें 3 व्हील लगाए हुए हैं। अच्छा, अब इस अब सर ये बताइए, आपने बताया कि लोड फ्री ट्रैक्टर चलेगा, लोड फ्री तो अभी चलेगा जबकि कितने HP के ट्रैक्टर पे काम करेगा? सर हमारी मशीन मात्र 35 HP के ट्रैक्टर से आसानी के साथ चलने वाली है सर। अच्छा, कितने हॉर्स पावर की अपनी ये थ्रेसर है? सर हमारी जो थ्रेसर है वो 35 HP अबव। अच्छा, कितने भी HP का ट्रैक्टर हो किसान भाई के पास उसको चला सकता है आसानी के अच्छा, साथ। अच्छा अच्छा, अब सर जैसे कि मैं इधर ये ट्रैक्टर लगाने वाला ये डिजाइन देख रहा हूँ, बिल्कुल ही अलग लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने और थ्रेसर देखी है उनके अंदर क्या होता है कि ट्रैक्टर जो है जैसे डोलेदार होता है खेत, तो पलटने का थ्रेसर को खतरा रहता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत इसमें कंडीशन इसकी बहुत अच्छी दे दी है सर, ये देने का क्या कारण रहा सर? सर इसकी जो गोले दे रखी है ताकि किसान भाई मशीन को कम जगह पे घुमा सकता है। अच्छा, ताकि किसान भाई को बार बार ब्रेक देने की समस्या नहीं आए जी। और जो आप बोल रहे हो ट्रैक्टर पलटी खाने की मशीन की, उसके लिए भी हमने एक सिस्टम लगाया हुआ हुक, ये हुक होल्डिंग वाला है, मतलब घूम सकता है ये हुक जी, फिक्स नहीं है। अच्छा, अब सर बात करते हैं बेल्ट सिस्टम जो है ये
ये बेल्ट सिस्टम बिल्कुल अलग, इसमें सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाए तो ये बहुत बेहतरीन आपने कर दिया है। ये मतलब कुछ अलग करने का क्या कारण रहा सर? ये सेफ्टी कवर है ताकि किसान भाइयों के हाथ वगैरह नहीं आए। इसके अलावा हमने इसमें एक सिस्टम दिया हुआ बेल्ट को टाइट करने का जी। हमारी मशीन के अंदर हर एक जगह बेल्ट टाइट करना अलग से रोलर लगा हुआ है जी। इसको किसान भाई बाहर से मात्र एक पाने के माध्यम से इस बेल्ट को टाइट कर सकता है। अच्छा, बेल्ट कभी कभी लूज हो जाती है, जब ज्यादा चलती है मशीन तब लूज हो जाती है, तो उसको टाइट कर सकता है किसान भाई। अच्छा, इसके अलावा अपन ग्रिस कैन की बात करें, ग्रिस करने की बात करें जी, तो हमारी मशीन के अंदर जहाँ पे ग्रिस कैन नहीं पहुंच पाती है वहाँ पे हमने एक नलकी लगाई हुई है, जिससे किसान भाई बाहर से ही आराम से इसमें ग्रिस कर सकता है। अच्छा, शानदार सिस्टम हमने दिया है इस बार, बेरिंगों को आराम से किसान भाई बाहर से ही ग्रिस कर सकता है। अच्छा, अब सर बात करते हैं, जैसे कि आपकी थ्रेसर है ये, इसमें अनाज कितने बार फिल्टर होके आता है, कूड़ा कहाँ जाता है, कैसे होता है, ये बताइए थोड़ा सर। इसमें डबल फिल्टर है, इसमें दो चालने लगे हुए हैं जी। एक चालना इसमें ऊपर लगा हुआ है जी, एक चालना इसमें नीचे लगा हुआ है जी। उसके बाद लास्ट वाले चालने पे सेफ माल गिरता है। अच्छा, इसमें भी हल्का बुल्का कचरा रहता है जी। तो जब वो माल आगे आता है तो ये एक हमने चुस्की फैन लगाया हुआ है जी। ये चुस्की फैन उस बारीक कचरे को साफ करेगा जी। इसके अलावा हमने एक फैन और लगाया हुआ है, उस माल को यहाँ आने के बाद भी इसको साफ करेगा जी। कभी कभी साफ दाने भी उस हवा की मदद से बाहर आ जाते हैं जी। उसके लिए हमने एक फिल्टर लगाया हुआ है। अच्छा, 8 इंची मोटा पाइप है, ये फिल्टर पूरा पैक है। अच्छा, जो दाना आएगा वो वापस इस पाइप के माध्यम से इस डोली के अंदर चला जाएगा, मतलब किसान भाई का जो दाना बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा जी। प्रॉपर किसान भाई का अनाज बिल्कुल सेफ रहेगा और किसान भाई इसमें बिना नीचे कुछ बिछाए भी अपनी फसल को निकाल सकता है। इसमें फैन जो बताया आपने, फैन कितने बताए सर? सर इसमें 4 फैन है, आप देख सकते हो। 3 फैन तो इसमें भूसे फेंकने के हैं जी, एक फैन इसमें चुस्की वाला है माल को साफ करने का जी, और इस फैन के अंदर एक और अटैचमेंट हमने माल ग्रेडिंग करने का और अलग से लगा। अब सर ये बताइए, जैसे क्या किसान चाहता है कि हमारी यूपी के अंदर, बिहार के अंदर गेहूं का जो भूसा उसे बढ़िया मिल जाए, क्योंकि पशुपालन हर किसान रखता है, आपके राजस्थान में यही होगा बिल्कुल, तो भूसे के अंदर अनाज ना जाए बिल्कुल, इसका क्या आपने अनाज तो नहीं फेंकती है? नहीं सर, अनाज फेंकने की समस्या नहीं आती है। स्टार्टिंग है तो किसान भाइयों को हवा कंट्रोलिंग करना पड़ता है, इसलिए हमने इसमें सिस्टम दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर प्लेट की। बिल्कुल, लास्ट के अंदर आप एक हैंडल देख सकते हो जी, इसको बोलते हैं प्रेशर प्लेट जी। ये प्रेशर प्लेट चालने की हवा को कंट्रोल करती है जी। इसके बाद में आती है पंखे की बारी जी, तो उसके लिए हमने अलग से एक प्रेशर प्लेट लगाई हुई है नीचे की तरफ। बिल्कुल, उसको किसान भाई हवा कम ज्यादा कर सकता है जी। और जो लास्ट का पर्दा है, इसके लिए हमने एक ऊपर हैंडल लगाया हुआ है। बिल्कुल, किसान अगर इस हैंडल को ऊपर करेगा तो हवा कम होगी, नीचे करेगा तो हवा ज्यादा होगी। बिल्कुल, किसान अपने खेत के अंदर आराम से एक्सपेरिमेंट करके अपने हवा को कंट्रोल कर सकता है और अनाज को बचा सकता है। इसके बाद करते हैं, ये जो आप फैन देख रहे हो जी, ये फैन हमने बंद कर रखा है। अच्छा, तो बहुत से किसान सोचते हैं कि फैन बंद क्यों है जी, तो हम आपको बता दें, ये फैन जो चुस्की वाला जो पंखा होता है जी, दाना उठाता है, कचरा उठाता है। बिल्कुल, इससे अगर दाना उठ जाए इसमें तो आप इस पंखे को बंद कर सकते हो, जो दाना उठेगा वो इस पाइप के माध्यम से वापस ड्रम के अंदर चला जाएगा। अच्छा, ऑल ओवर प्रॉपर तरीके से आपका अनाज बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। अच्छा, अब सर मैं एक क्वेश्चन और चाहूंगा आपसे, जैसे कि मान के चलो गेहूं के समय, गेहूं का सीजन आने वाला आप भी जानते हो, क्योंकि फरवरी के लास्ट गेहूं का सीजन शुरू हो जाएगा अलग अलग राज्यों में, तो ये बताइए कि ये गेहूं की जैसे गीला सूखा कहीं माल होता है, बारिश होती है उस समय, तो कितना गीला माल निकालने में सक्षम है आपकी मशीन? सर हमारी जो एनवीटी मशीन है, इसमें 3 स्पीड की 3 पुलिया लगा रखी है, 3 ग्रुप के अंदर 3 बेल्टे हैं। अच्छा, डेमो लूंगा आपसे मैं बिल्कुल, जो किसान भाई ने चलाई है। आप हमारे सीजन के अंदर आइए, गेहूं निकलेंगे उस टाइम आपको वापस बुलाएंगे, आप लाइव किसान से डेमो लीजिए, उनसे आप राय लीजिए, फिर आप अपलोड कर लें। अच्छा, अब सर मैं बात करता हूँ, ये जो सिस्टम आपने दे रखा है, ये बेल्ट सिस्टम यहाँ भी आपने बिल्कुल कवर कर दिया। बिल्कुल सर, क्योंकि जो है आपने जान माल आदमी की हाथ पांव बिल्कुल सुरक्षित रहे, ये आपने किसान के लिए बहुत बेहतरीन कर दिया है। ये सिस्टम आपका अतिरिक्त करने का क्या कारण रहा सर? सर ये बेल्ट कवर है जी, इसके अलावा जो किसान भाई अगर मान लीजिए इसको डोली की कंट्रोलिंग करनी है जी जी, किसान भाइयों को ओनली फॉर डोली की स्पीड कम करनी है, रोटर की स्पीड कम नहीं करनी है जी, तो उसके लिए हमने एक अलग से पुल्ली लगाई हुई है। केवल और केवल एक पुल्ली जो आप देख रहे हो, ये केवल डोली की कंट्रोलिंग करती है जी। किसान भाइयों को जैसे गेहूं निकालना है तो रोटर की स्पीड कम कर दीजिए किसान भाई, और अंदर वाले रोटर की स्पीड तेज रहेगी। बिल्कुल, इससे किसान भाई का भूसा बारीक निकलेगा और गिरा माल भी आसानी से निकाल सकता है। अच्छा, आपने कहा कि 35 HP ट्रैक्टर में चला सकते हैं। बिल्कुल सर, इसमें कितने RPM सेटिंग करना पड़ेगा? सर RPM की बात करें तो 540 RPM का भी इस टाइम मशीन अवेलेबल है। अच्छा, किसान भाई के पास अगर 1000 RPM का ट्रैक्टर है, बिल्कुल उसके लिए किसान को बताना पड़ेगा, उसके बाद वो अलग से मशीन बनेगी उसके लिए। अच्छा, अब सर आते हैं पीछे, अब ये तो ये माल मुझे यहाँ से डालना है, क्या करना है? बास्केट है जी, 5 फुट की ये टोकरी है जी,
इसमें एक रोलर लगा हुआ है, इसके अलावा इसमें तीन रोलर और लगे हुए हैं अंदर खींचने के लिए। बिल्कुल, पहले की हमारी एनवीटी मशीन में ये वाले रोलर दो ही थे जी, लेकिन इस बार इस कंपनी ने इसको तीन कर दिया है, थोड़ा स्पेस बढ़ा दिया है। अच्छा, कि जो माल की तुड़ाई हो वैसे स्टार्ट हो जाए, ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़े। अच्छा, इन रोलर की ब्लेड की क्वालिटी क्या है इनकी? सर ये रोलर की खासियत ये है कि और मशीनों के अंदर इसमें ब्लेड के आते हैं। अच्छा, हमारी एनवीटी में हमने प्योर लोहे की प्लेट को बेंड करके इसमें बनाया हुआ है। अच्छा, सब कुछ आइटम इसमें लोहे का लगा हुआ है, मतलब ब्लेड का आइटम इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर जैसे कि मैं ये सिस्टम देख रहा हूँ, ये सिस्टम कुछ अलग है जो है, ये क्या दिया गया है, ये सिस्टम क्या, यहाँ से क्या कवर कर सकते हैं, थोड़ा सा सर ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं रोलर की, ये पुली है, इसको ये मेन सापट इस गोले को चला रही है जी। कभी कभी क्या होता है कि बेल्ट लूज हो जाती है, बिल्कुल, उसके लिए हमने एक रोलर लगाया हुआ है और एक नट सिस्टम दिया हुआ है जी। किसान भाई इस रोलर को नीचे करेगा तो ये बेल्ट टाइट होती रहेगी, बिल्कुल, और किसान का रोटर कभी जाम नहीं होगा जी। इसके अलावा अगर आपने ज्यादा मात्रा में माल डाल दिया जी, तो उसको रोकने के लिए हमने एक हैंडल लगाया हुआ है। अच्छा, किसान भाई इसको ऊपर करके जी इस डोली को रोक सकता है। अच्छा हाँ, अब सर बात करते हैं जैसे कि ये सिस्टम भी इधर मैं लग रहा हूँ, तीन तीन बेल्ट आपने इधर ही लगाई हैं ये। बिल्कुल सर, आगे से आपने ये कवर जो कवर किया है बहुत ही शानदार लग रहा, और व्हील इसमें आपने बहुत मजबूत दिया ऊपर से सर। व्हील जी सर, इसमें व्हील 34 इंची लंबे व्हील हमने इसमें लगाए हुए हैं। अच्छा, पहली बार जी। एनवीटी मशीनों के अंदर हमने पिछले साल 32 इंची के व्हील थे जी, लेकिन हमने इस बार इसको बड़ा करके 34 इंची का व्हील कर दिया था कि ट्रैक्टर लोड फ्री चले, बिल्कुल, और कम एचपी के ट्रैक्टर में भी चल सके। अच्छा, तो आपको बताते हैं, मेन जो मशीन चलती है वो चलती है इस रोटर की पुलियों के ऊपर जी। इसके अंदर हमने तीन सिस्टम लगाया हुआ, आप दिखा सकते हो किसान भाइयों को। बिल्कुल, इसके अंदर हमने थ्री स्पीड बोलते हैं हम इसको, बिल्कुल, इसके अंदर हमने तीन पुलियां लगाई हुई है। बिल्कुल जी, सबसे छोटी पुली के ऊपर किसान भाई गेहूं और गीला माल अच्छा इसमें निकाल सकता है। अच्छा, और बीच वाली पुली की बात करें जी, अगर आपको एवरेज बढ़ाना है, माल सूखा है, तो आप इसको सेकंड पुली पे डाल सकते हो और आपका एवरेज बढ़ जाएगा। मतलब कि जैसे कि मान के चलो कुछ समय ऐसा होता है कि बिल्कुल सूखा गेहूं होता है, बिल्कुल, तो उस समय किसान को जो है, ये भी आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि उस टाइम बीच वाली पुली पे चला जाए। बिल्कुल सर, एवरेज अच्छा देगा, रियल कम खाएगा ट्रैक्टर। और आप मान लीजिए आपके पास बड़ा ट्रैक्टर है, 60 HP का ट्रैक्टर है, बड़ा ट्रैक्टर आपके पास है, बिल्कुल, तीसरे वाली पुली के ऊपर इसको आप लगा सकते हो, चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गीला माल हो चाहे सूखा माल हो, दोनों माल इसमें निकाल सकते हैं। अब सर मैं बात करता हूँ, ये सिस्टम जो दिया है आपने, हाँ, ये सिस्टम बिल्कुल अलग है, ये जो है इसमें इसमें क्या बदलाव किए हैं सर? पहले की मशीनें आगे से ऑपरेट होती थी जी, अभी जो मशीनें आती है उसमें गियरबॉक्स लगा हुआ है जी, बीच के अंदर। अच्छा, ये मोटर है जी, और कंपनी इसकी 1 साल की गारंटी देने वाली है कि 1 साल तक इस मोटर की हम फुल गारंटी देने वाले हैं। किसान भाइयों को अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको पीस टू पीस चेंज करेंगे। अच्छा, और थ्रेसर की पूरी कितनी गारंटी रहेगी जो है सर? मशीन की 1 सीजन की फुल गारंटी है, कोई भी पार्ट अगर खराब होता है तो हमको बिल्कुल फ्री देंगे, पुराना आप जमा करा दीजिए, हम आपको नया दे देंगे। अच्छा, अब सर मैं बात करता हूँ, ये जो प्रेशर प्लेट है ये किस काम की, क्या काम कर रही सर, है? हमने बताया था आपको कि पंखे की कंट्रोलिंग करने के लिए हमने एक सिस्टम लगाया हुआ है जी, ये वही है सर। किसान भैया का मान लीजिए कोई पंखा का ज्यादा हवा बना रहा है, बिल्कुल, आपका अनाज अगर उसमें जा रहा है, बिल्कुल, बोल्ट के माध्यम से अगर इस प्लेट को अगर आप नीचा करोगे तो हवा कम होगी जी, इस प्लेट को अगर आप ऊपर करोगे तो हवा ज्यादा होगी। अच्छा हाँ, अब सर जैसे क्या यहाँ से बिल्कुल ये कवर्ड कर दिया, बहुत अच्छा तरह से लग रहा, अब सर ये सिस्टम जो दिया गया इसे क्या कहते हैं? मुझे लग रहा है कि एलिवेटर वगैरह कहते होंगे इसमें, कुछ आपने कुछ अलग बदलाव किए हैं, ये बदलाव क्या है सर? सर इसमें अलग बदलाव हमने दो किए सर इसके अंदर जी। एक इसमें पट्टा नहीं लगा हुआ है, 1 इंची मोटी चेन लगी हुई है जी। दूसरा बदलाव हमने ये किया है कि इसको हमने 33 के ऊपर किया है। अच्छा, ये हाँ जी, 33 के ऊपर इसको हमने फिटिंग की ताकि जो खेतों के अंदर जो कैरियर होती है वहाँ ये डैमेज नहीं हो। अच्छा, मशीन ये इसकी मुझे कोई नुकसान नहीं हो किसान भाइयों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम आपको बता दें, ये जो फैन लग रहा है ये माल को साफ करने का है जी। इसमें हमने एक प्रेशर प्लेट, ये जो सिस्टम देख रहे हो आप, ये हवा कम ज्यादा करने का हमने लगाया हुआ है। अच्छा, किसान भाई अपने फसल के हिसाब से इसको सेट कर सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब सर जैसे कि आपकी ये थ्रेसर मशीन तो मुझे बहुत बेहतरीन लग रही है जो है, अब ये बताइए किसान तो सोच रहा है कि ये गेहूं भी काम करेगी, अब आप ये बताओ कौन कौन सी फसलों के अंदर ये काम करेगी? सर अपनी एनवीटी मल्टीक्रॉप थ्रेसर बैग टोकरी जी मात्र मूंगफली और चावल को नहीं निकालेगी, इसके अलावा कोई सी भी फसल हो उसको आसान साथ निकाल सकती है। मूंगफली और चावल को छोड़ के, चावल छोड़ के। किसान क्या करते हैं, इसमें मूंगफली भी निकालते हैं अपने दिमाग के हिसाब से, लेकिन हम साफ कह रहे हैं कि ये मूंगफली और चावल नहीं निकालेगी। बाकी किसान एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं सर, आप जानते हो। बिल्कुल जी। और सर ये बताइए, ये सिस्टम, ये बैरिंग सारे अलग लगा हुआ है, ये सिस्टम कुछ अलग दे दिया आपने, क्या देने का कारण रहा है? सर ये तो हमने इसलिए लगाया हुआ है कि जो चालने से जो माल गिरता है, अच्छा, उसके लिए हमने एक पंखा लगाया हुआ है। ये चालना यहाँ दिख रहा है? बिल्कुल सर, जहाँ माल गिरता है तो उस माल को दूर दूर करने के लिए चालने में माल इकट्ठा नहीं हो। अच्छा, इसके लिए हमने एक पंखा लगाया हुआ था कि माल दूर दूर चला जाए और चालने पे लोड नहीं पड़े। अच्छा, दाना
पंखे में नहीं जाए। अच्छा। बात करते हैं आप जो पूछ रहे हो कि सर ये क्या सिस्टम है जी। तो सर ये सिस्टम है जाल को नीचा करने के लिए, ऊपर करने के लिए। अच्छा। किसान भाइयों को अगर मान लीजिए बारीक फसल निकालनी है तो इसको ऊपर कर सकता है, अगर आपको ज्वार वगैरह कुछ निकालना है तो आप इसको जाल को सेटिंग कर सकते हो किसान भाइयों के। अच्छा, ये जैसे किसान भाई देख रहे हैं कि ये पाइप बनने का क्या कारण रहा है सर, ऊपर वाला जो है ये जी, उसके लिए हमने आपको बताया था कि जो फैन बंद है उसके लिए हमने बताया था कि अगर आपका ये पंखा दाना उठाता है बिल्कुल तो आप बंद कर सकते हो, दाना आपका वापस पाइप की मदद से ड्रम में अंदर चला जाएगा। अच्छा, अब सर मैं बात करता हूँ, किसान भाई अलग अलग राज्य से है और आपके राजस्थान से भी है, तो किस प्रकार से ले सकता है, क्या लेने की प्रक्रिया है? सर हमारी लेने की प्रक्रिया ये है जी, अगर किसान भाई देखना आना चाहता है जी तो वो नीवाई टोंक में जयपुर के पास में पड़ता है, एनएच बिल्कुल एनएच हमारे सामने है जी, यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है, किसान भाई यहाँ आ सकता है, लाइव देख सकता है जी। कोई किसान भाई अगर कोटा के साइड का है, बारा साइड का, एमपी साइड का, तो वो केकड़ी आ सकता है, वहाँ मशीन देख सकता है। अगर वो किसान भाई ऑनलाइन बुकिंग करा सकता है तो हमारी जो कंपनी के अकाउंट है राम एग्रोसिस के, उसमें वो बुकिंग करा सकता है और अपनी मशीन को ले सकता है। अच्छा, कुछ जैसा नया वर्ष आया है, कुछ मेरे लिए देखे आप युमराज से आया हूँ मैं, कुछ तो कुछ छूट वगैरह आप करा दो सर। आपके माध्यम से अगर हमें कोई मशीन बुकिंग कराता है जी तो उसके लिए हम स्पेशल 10,000 रुपए उसके डिस्काउंट देने वाले नए साल, जो हमारे चैनल का स्क्रीनशॉट भेजेगा नए साल पे। बिल्कुल सर, नए साल के उपलक्ष में हम किसान भाइयों को 10,000 रुपए का डिस्काउंट देने वाले हैं। जो भी किसान भाई बाहर से आते हैं उनके लिए हमने खाने पीने की सब व्यवस्था कर रखी है, वो आराम से आ सकता है, रह सकता है, मशीन देख सकता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है जी। सर एक क्वेश्चन मेरा और रह गया बिल्कुल, कि किसान भाई सोच रहे हैं कि ये सब कुछ दिखा दिया आपने, ये नहीं बताया कि इसमें ब्लेडें कितनी है जो है सर, ब्लेडों के बारे में बताइए किसान भाइयों को। सर हमारी मशीन के अंदर 208 ब्लेड रोटर के अंदर लगी हुई है जी, और 26 ब्लेडें हमने नीचे लगाई हुई है। अच्छा, ताकि जो माल प्रवेश करेगा वो ब्लेडों के टच होकर निकलेगा। बिल्कुल, कुल मिला के 234 ब्लेड हमने इसके अंदर लगाई हुई है जी। गीला से गीला माल, चाहे कितना भी गीला माल हो, जो माल टूटे आधा आधा नहीं टूटे उसको मशीन निकाल सकती है। बिल्कुल, गेहूं निकाल सकती है, आलू फसल निकाल सकती है जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों एनवीटी का तो आपने नाम ही सुना है, बहुत ही बेहतरीन ये थ्रेसर है, हर क्षेत्र के अंदर, हर राज्य के अंदर किसान भाई इस मशीन को पसंद करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, इस मशीन पर आपको हर राज्य के अंदर आपको सब्सिडी मिल रही है। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।